रिवर्सल। अगर सिंगल अमाउंट से एंट्री बनाते तो पहले की रॉन्ग एंट्री और राइट एंट्री क्या हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती, जो पैसे आए वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेंड चार्ट क्रेडिटेड टू ट्रेंड अकाउंट, कौन सा ओरिजिनल एंट्री है? ट्रेंड चार्ट और ट्रेंड मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाइए, सुना होगा आपने, तो ये मिलते जुलते नाम है, एरर ऑफ कमीशन होता है। इंश्योरेंस पेड डेबिटेड टू प्रेमिसेस अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस था हमने एसेट में डाल दिया, ये प्रिंसिपल का एरर। नेक्स्ट में कहता है परचेज ऑफ व्हीकल डेबिटेड टू बैंक एंड क्रेडिटेड टू व्हीकल, जब व्हीकल खरीदेंगे तो व्हीकल डेबिट होना चाहिए, बैंक क्रेडिट हमने उल्टा कर दिया, तो ये रिवर्सल है। और आखिरी सेल्स इनवॉइस 790 एंटर्ड इन द सेल जनरल एज 970, जब अमाउंट गलत हो, सही है ना, तो ये होता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अमाउंट गलत हो। लेकिन ये एरर जो होना चाहिए ना, ये दोनों जगहों पे मिस्टेक होनी चाहिए। ये कह रहा है जनरल में गलत लिख दिया, जनरल क्या होती है, जनरल होती है डे बुक क्या होती है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही आपने गलत लिख दिया है तो बाकी हर जगहों पे ये मिस्टेक क्या होगी, कैरिड फॉरवर्ड होगी। तो आंसर क्या बना भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर बना।